नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आरके क्लासेस खरगोपुर के इस शानदार शिक्षण प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न संख्या 7 तक सॉल्व किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न संख्या 8 और 9 को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा 8वां प्रश्न है, 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएँ ज्ञात कीजिए। हमें 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। हम लिखेंगे हल, ये हमारा है 5/7। तो सबसे पहले हम 5/7 का दशमलव प्रसार करेंगे, ये हमारा हो जाता है 5/7। 5/7 का दशमलव प्रसार करने के लिए हम 7 से 5 को भाग देंगे। 7 हमारी बड़ी संख्या है, 5 हमारी छोटी संख्या है, हम डायरेक्टली इसको भाग नहीं दे सकते, इसलिए हम सबसे पहले यहाँ पर दशमलव लगाएंगे और 1 जीरो बढ़ाएंगे। इस प्रकार से हो जाएगा 7 × 7 49। 50 में से हम 49 को घटाएंगे तो हमें 1 शेषफल मिल रहा है। यहाँ पर दशमलव लगा है तो 1 जीरो बढ़ जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा 7 × 7। अब हम 10 में से 7 को घटाएंगे तो हमें 3 प्राप्त होगा। पुनः दशमलव लगा है, 0 बढ़ जाएगा। अब ये हो जाएगा 7 × 4 = 28। 30 में से जब हम 28 को घटाएंगे तो हमें 2 शेषफल प्राप्त होता है। फिर यहाँ दशमलव लगा है, 0 बढ़ जाएगा। अब हो जाएगा 7 × 2 = 14। 20 में से हम 14 को घटाएंगे तो हमें 6 शेषफल प्राप्त होता है। यहाँ दशमलव लगा है, फिर से हम 0 बढ़ा लेंगे। इस प्रकार से हो जाएगा 7 × 8 = 56। 7 × 8 = 56। अब हम 60 में से जब 56 को घटाएंगे तो हमें 4 शेषफल प्राप्त होता है। फिर दशमलव लगा है तो हम 0 बढ़ा लेंगे। अब हो जाएगा 7 × 5 = 35, ये हो जाएगा 35। 40 में से जब हम 35 को घटाते हैं तो हमें 5 शेषफल प्राप्त होता है। दशमलव लगाए, फिर से 0 बढ़ जाएगा। अभी हो जाएगा 7 × 49, हमें 1 शेषफल प्राप्त होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस संख्या के बाद, 5 के बाद संख्याओं की पुनरावृत्ति स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर 50 मिला हमें, यहाँ पर भी 50 था। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो हमें नई नई संख्या प्राप्त हुई, उसके बाद यहाँ से संख्याओं की पुनरावृत्ति स्टार्ट हो जाती है। इस प्रकार से हमें 5/7 का जो दशमलव प्रसार प्राप्त होगा वो होगा 0.71425, और इसके ऊपर हम बार लगा देंगे। ये हमारा हुआ 5/7 का दशमलव प्रसार। इसके बाद हम 9/11 का दशमलव प्रसार निकालेंगे। हम लिखेंगे 9/11। 9/11 का दशमलव प्रसार निकालने के लिए हम 11 से 9 को भाग देंगे। ग्यारह हमारी बड़ी संख्या है, 9 हमारी छोटी संख्या है, इसलिए हम डायरेक्टली भाग नहीं दे पाएंगे। तो सबसे पहले हम दशमलव लगाएंगे, 1 जीरो बढ़ा लेंगे। अब 11 से हमें 90 को भाग देना है तो हो जाएगा 11 × 8 = 88। जब हम 90 में से 88 को घटाएंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा, हमें 2 शेषफल प्राप्त होता है। अब यहाँ पर दशमलव लगा है तो 0 बढ़ जाएगा। अब हो जाएगा 11 × 1 = 11। जब हम 20 में से 11 को घटाएंगे तो हमें 9 प्राप्त होता है। फिर से दशमलव लगा है तो 0 बढ़ जाएगा। अब ये फिर से हो जाएगा 11 × 8 = 88। 90 में से 88 को घटाएंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा, दशमलव लगा है, 0 बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 × 1 = 11। 20 में से 11 को घटाएंगे तो हमें 9 प्राप्त होगा। इस प्रकार से हम देखते हैं 0.81 के बाद संख्याओं की पुनरावृत्ति स्टार्ट हो जाती है। इस प्रकार से हम 9/11 का दशमलव प्रसार लिखेंगे 0.81 के ऊपर बार लगा देंगे। ये हमारा हुआ 9/11 का दशमलव प्रसार।
अब हमें 5/7 और 9/11, 5/7 का जो हमें दशमलव प्रसार मिला वो मिला 0.714285, और 9/11 का जो हमें दशमलव प्रसार मिला वो मिला हमें 0.81। अब हम इसके और इसके बीच की तीन अपरिमेय संख्या निकालेंगे, 0.714285 तथा 0.81 के बीच अनेक परिमेय संख्याएं हैं, इस प्रकार से हम किन्हीं तीन परिमेय संख्याओं को लिख देंगे। तो सबसे पहले हम इस दो अंक को देखेंगे, ये हमारा दो अंक है 7-1, 7-1 के बाद क्या आएगा 7-2, 7-2 के बाद आएगा 7-3, 7-3 के बाद आएगा 7-4। तो इससे पहले क्या लगा है 0.,  इसके पहले 0.  लगा है, तो हम 0.  को लिख लिए। अब ये हुआ हमारा 7-1 और 8-1 के बीच की संख्या। अब हम क्या करेंगे, इसके पीछे कोई भी संख्या लिख देंगे, इसके पीछे कोई भी संख्या लिख देंगे, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं 9, 8, 7, 6, 5, इसके बाद हम डाट डाट कर देंगे, इसका मतलब ये अनंत तक जा रहा है। इसके बाद में हम यहाँ पर भी कुछ लिख देंगे, आपके मन में जो आए वो संख्या आप लिख सकते हैं। हम लिखेंगे 8, 6, 5, 4, 2, इसके बाद यहाँ पर 7, 6, 9, 8 डाट डाट कर देंगे। इस प्रकार से हमें जो संख्या प्राप्त हुई है वो 0.714285 तथा 0.81 के बीच की संख्या है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये संख्या हमारी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये हमें जो संख्या प्राप्त हुई है वो संख्या अनवसानी अनावर्ती है, और जो संख्या अनवसानी अनावर्ती होती है वह अपरिमेय संख्या होती है। इस प्रकार से ये प्रश्न हमारा सॉल्व होता है। इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। इसके बाद हमारा 9वां प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय है। हमें इतनी संख्याएं दी गई हैं, हमें इनमें से बताना है कि कौन सी संख्या परिमेय संख्या है और कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। तो हम चलते हैं सबसे पहले खंड पर, हमें दिया गया √23। हम √23 का वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए ये हमारी अपरिमेय संख्या है, हम इसको लिखेंगे अपरिमेय संख्या। √23 हमारा हो जाएगा अपरिमेय संख्या। उसके बाद आता है √225। हम 225 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ये हो जाएगा 225। सबसे पहले हम इसको 3 से भाग देंगे, तो ये हो जाएगा 3 × 7 = 21 और 3 × 5 = 15। उसके बाद फिर से 3 से भाग देंगे, तो ये हो जाएगा 25 × 3 = 75। अब हम इसको 5 से भाग देंगे, तो ये हो जाएगा 5×5 = 25 और 5 × 1 = 5। इस प्रकार से हमें 225 का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ, 3 × 3 = 5 × 5। तो इसको हम वर्गमूल के अंदर रखेंगे, ये हो जाएगा 3 × 3 फिर हो जाएगा 5 × 5। 3 और 3, 5 और 5, इन दोनों का जोड़ा मिल रहा है, तो इसलिए हम जब जोड़ा मिल रहा है तो उसको हम वर्गमूल से बाहर निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 3 × 5, हमें मिल गया 15। ये हो जाएगा 3 × 5 = 15, 15 हमारा एक पूर्णांक है और पूर्णांक हमारा होता है परिमेय संख्या, हम लिख देंगे ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, ये हमारा हो जाता है परिमेय संख्या। उसके बाद में आते हैं हम तीसरे पर, यहां पर दिया है 0.3796, ये हमारा जो संख्या है ये एक शांत दशमलव प्रसार में दिया है, और जो संख्याएं शांत दशमलव प्रसार में होती हैं वह परिमेय संख्याएं होती हैं। यहां पर हम लिख देंगे परिमेय संख्या, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार शांत है, तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या। इसके बाद हम आते हैं चौथे पॉइंट पे, चौथा पॉइंट हमारा 7.478478, उसके बाद लगा है डॉट डॉट, मतलब ये संख्या अनंत तक जा रही है, तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 7.478478
ये जो संख्या है 3 अंक के बाद पुनरावृत्ति इसकी हो रही है, तो हम इसको लिखेंगे 7.478। इसके ऊपर हम बार लगा देंगे। जो संख्याएं अशांत होती हैं और आवर्ती होती हैं वो हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं, तो हम इसको लिख देंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। इसके बाद हमारा पांचवा पॉइंट है 1.10100100001001001। उसके बाद डॉट डॉट करके लिखा है, ये हमारी संख्या अनंत तक जा रही है। तो इस संख्या को देखने से पता चलता है कि ये जो संख्या दी गई है, सबसे पहले तो ये अशांत है और अनावर्ती है, क्योंकि इसमें किसी संख्या के बाद सेम संख्या की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो इस प्रकार की संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती है, तो हम यहां पर लिख देंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। इस प्रकार से हमारा प्रश्न संख्या 8 और प्रश्न संख्या 9 सॉल्व होता है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे। इसके बाद हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद।